सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अल्किन। अल्किन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, बराबर है। अब अल्किन का कॉमन नेम लिखते समय हम सफिक्स यूज करते हैं YLENE, ठीक है ना। और IUPAC नेम के लिए हम इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसा करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको छोटी छोटी और बेसिक बातें समझा देता हूँ, ठीक है, कि कॉमन नेम के लिए क्या यूज करना है और IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे। जब तक कि हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तब तक कि हमारे को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां फॉर्मूला, कॉमन नेम और IUPAC नेम। फॉर्मूला, कॉमन नेम और IUPAC नेम। चलिए देखिए, फॉर्मूला कॉमन नेम IUPAC नेम। एग्जांपल नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेम है इथाइलीन, है ना। इथ वो तो दो कार्बन और मैंने यहां पर सफिक्स यूज किया YLENE, है ना, तैयार हो गया इथाइलीन। और इसका IUPAC नेम है सिंपल सा इथीन, है ना। इथ बोल तो दो कार्बन और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या लिखे, इथीन, ठीक है। सेकंड ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोप मीन्स तीन कार्बन और मैंने यहाँ पर सफिक्स यूज किया, ठीक है, YLENE, प्रोपिलीन। और IUPAC नेम आएगा इसका प्रोपीन, है ना, या फिर प्रोप वन इन, ऐसा लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। और प्रोप वन इन, जनरली फर्स्ट पोजीशन को लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, अब यहां से थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं चार कार्बन वाला अल्किन यूज किया हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, हाँ सर। चलिए आप ध्यान से देखिए, नंबरिंग कैसे करेंगे आप IUPAC नेम के लिए, 1, 2, 3, 4, जैसे इसका नंबरिंग 1, 2, 3 ऐसे आया था ना, प्रोप वन इन। तो यहाँ पर सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है नंबरिंग करने पर, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, क्योंकि अल्किन का IUPAC नेम लिखते समय, है ना, नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, उस चेन का सिलेक्शन करना जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है, है ना। टू सिलेक्ट दैट चेन, टू सिलेक्ट दैट चेन, है ना, विच कंटेन मैक्सिमम डबल बॉन्ड, ओके। मतलब उस चेन का हमारे को सिलेक्शन करना है, है ना, जिस चेन में ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मैं तो अभी आपको जस्ट बेसिक लेवल बता रहा हूं इसका। तो यहां पर सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए हम यूज करेंगे बीटा। फर्स्ट कार्बन से अगर डबल बॉन्ड अटैच हो तो अल्फा, सेकंड कार्बन से अगर डबल बॉन्ड अटैच हो तो बीटा, थर्ड कार्बन से अगर डबल बॉन्ड अटैच हो तो गामा, है ना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो आपको समझ में आया होगा कि यहां लिखा मैंने बीटा और चार कार्बन है, इसलिए ब्यूट और सफिक्स YLENE, है ना, ब्यूटिलीन या फिर ब्यूटाइलीन, ओके। यहां देखिए आप ध्यान से, अल्फा ब्यूटाइलीन क्या रहेगा, अल्फा ब्यूटाइलीन, ओके। IUPAC नेम लिखते समय आपको नंबरिंग करना है 1, 2, 3, 4, लॉन्गेस्ट चेन में चार कार्बन है, है ना, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम से अटैच है, तो इसलिए 2 लिखी हमने, कार्बन की पोजीशन डबल बॉन्ड से अटैच है, सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, बराबर है। तो ब्यूटाइलीन, यहां पर देखिए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ब्यूट मींस 4 कार्बन एटम, 1 इन के डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, समझ में आ रहा आपको। एग्जाम्पल नंबर 6, मैं अल्फा का कंसेप्ट क्लियर करवा के दे देता हूं आपको। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
सेवंथ नंबर पर है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ओके चलिए अब ध्यान से देखिए नंबरिंग, ये फर्स्ट कार्बन आइटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच कार्बन है इधर से 1 2 3 4 5। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है अल्फा और यहाँ पर सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है इसलिए हम क्या लिखेंगे बीटा, और थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच हो तो उस समय लिखते हैं हम गामा, ठीक है ना। पांच कार्बन है इसलिए हो जाएगा यहाँ पर ये पेंटिलीन, क्या हो जाएगा पेंटिलीन, और ये बीटा पेंटिलीन। ओके समझ में आ रहा आपको अल्फा और बीटा। अब IUPAC ने लिखते समय यहाँ पर आपको नंबरिंग करना था, हम कर चुके नंबरिंग इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांच कार्बन है, पांच कार्बन वाले को क्या बोलेंगे पेंट, रूट वर्ड वन इन मीन्स डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, कौन से कार्बन से फर्स्ट। ओके नेक्स्ट 1 2 3 4 5 है ना, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है क्लोजेस्ट है वहां से उसका हमारे को नंबरिंग करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसी है लेकिन करो। ओके सर पांच कार्बन है इसलिए हमने लिखे पेंट रूट वर्ड टू इन डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम से अटैच है। तो यहां पर मैंने आपको अल्फा और बीटा समझा दिया हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये रहेगा आइसोब्यूटाइलीन या फिर आइसोब्यूटिलीन। ओके प्रोनाउंसिएशन तो दो है, एक ब्यूटाइलीन भी पढ़ा जाता है इसको ब्यूटिलीन भी, लेकिन लिखना ऐसी ठीक है। आइसो क्यों बोले हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन से ब्रांच अटैच आ रहा था है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ये CH3 को अगर हम ऊपर ले लिए तो, मान लीजिए इमेजिन करो आप क्या ये जो CH3 है हमने इसको ऊपर ले लिया ऐसा कट कर रहे थे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा दैट इज आइसो और ब्यूटिलीन, ठीक है। IUPAC 1 2 3 सेकंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, हाँ सर 2-methyl ठीक है डैश प्रो 1-ene 2-methyl प्रो 1-ene। ओके सर एग्जाम्पल नंबर 9 CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटाइलीन, सही है हाँ सर क्या है कॉमन नेम इसका आइसोपेंटाइलीन, और IUPAC नेम समझ में आ गया ना, IUPAC नेम क्या है इसका 1 2 3 4 थर्ड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है ना, थर्ड मिथाइल है ना, दिख रहा मिथाइल आपको क्लियर, डबल लिख देता हूं देखिए आप 3-methyl ओके डैश ब्यूट 1-ene ठीक है 3-methyl ब्यूट 1-ene समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6 यहां इसका कॉमन नेम है आइसो हेक्साइलीन, क्या रहेगा आइसो हेक्साइलीन, 6 कार्बन है ना और आइसो लिखी हमने क्योंकि देखिए ये सेकंड कार्बन से ब्रांच अटैच आ रहा है बट नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से क्लोजेस्ट है। ओके पूरे कार्बन कितने हैं सर, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, फोर्थ कार्बन से यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, हमने लिखे हैं यहाँ पर 4-methyl-pent-1-ene 4-methyl-pent-1-ene। मैं अभी आपको बेसिक लेवल समझा रहा हूँ कि इसका नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है। ओके चलो आइसो का तो कंसेप्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 CH3 बॉन्ड सी बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर एक कार्बन से 4 कार्बन एटम अटैच है ना, तो इसलिए हम इसका नाम लिखते हैं नियो, पूरे कार्बन 1 2 3 4 5 6
दैट इज हेक्सिलीन, नियो हेक्सिलीन। समझ में आ गया आपको? अब इसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से, जहाँ से डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। नंबरिंग फ्रॉम कहाँ से? नंबरिंग फ्रॉम क्लोजेस्ट, है ना, कौन सा? डबल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा नजदीक है वहां से हमारे को इसका नंबरिंग करना है, ठीक है ना। तो नियो हेक्सिलीन तो लिख लिया हमने कॉमन नेम में, है ना, क्योंकि कॉमन नेम में जितने कार्बन है उतने अल्कीन का नाम लिखना है आपको, नियो हेक्सिलीन। बट आईयूपीएसी नेम कैसा? देखिए हमने चेन का सिलेक्शन की, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है बताइए आप? सर लॉन्गेस्ट चेन में चार कार्बन है ना, ये सिलेक्शन। ओके, अब इसका आईयूपीएसी नेम आएगा 3.3 डाइमिथाइल, 3.3 डाइमिथाइल, बराबर है? हाँ सर। पूरे कार्बन कितने हैं चेन में? चार, ब्यूट वन इन, 3.3 डाइमिथाइल ब्यूट वन इन। एग्जाम्पल नंबर 12, CH3 bond CH2 bond CH2, ओके सर। लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर नियो लिख देते हैं कॉमन नेम के लिए, पूरे कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नियो हेप्टिलीन या फिर हेप्टाइलीन, ओके। हाँ सर, लॉन्गेस्ट चेन में पांच कार्बन है, फोर्थ कार्बन से मिथाइल है ना, कितने मिथाइल है? दो, तो हम लिखेंगे 4.4-डाइमिथाइल। हाँ सर, दो मिथाइल थी इसलिए लिखी हमने। पूरे कार्बन कितने? पांच है, इसलिए पेंट वन इन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम है अलीन, A double L E N E, ठीक है। देखिए कॉमन नेम है इसका, बट आईयूपीएसी नेम कैसा आएगा बताइए आप? देखिए 1, 2, 3, 4, अगर दो या उससे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो पहले आपको रूट वर्ड लिखना है ब्यूट, फिर उसमें ए ऐड करना, तो ये हो जाएगा ब्यूटा, क्या हो जाएगा? ब्यूटा, बराबर है? डैश 1.2 फर्स्ट और सेकंड कार्बन से 1.2 डाई बोले तो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सफिक्स हमने यूज किए हैं ई एन ई, दैट इज प्राइमरी सफिक्स, बराबर है ना। तो ब्यूटा 1.2 डाई, तो ये नॉर्मल क्लेचर था किसका? अल्किन का, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे हम नॉर्मल क्लेचर ऑफ अल्काइल, ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर कंबाइन पढ़ेंगे हम, क्या अगर किसी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसका नंबरिंग कैसा करेंगे, उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है, उसके लिए स्पेशल लेक्चर रहेगा, ठीक है। बाय।